हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। तो हम हमारे वीडियो लेक्चर की सीरीज में वापस आते हैं। हमारा साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो यूनिट है, जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं फिर से आपकी रिवीजन के लिए वो यूट्यूब पे एक के बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ। आप उसे भी रेफर करते जाइए। और साथ ही साथ हम हमारा हेलोजन डेरिवेटिव का भी जो लेक्चर है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है। इसमें हम अभी जो आगे का पार्ट है, जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखेंगे। तो देखो, ये एक रिएक्शन का टाइप है। देखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मेनली फोर टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। देखो, कुछ तो उसके लिए मैंने आपको ये चार टाइप के रिएक्शन आपके सामने रख दिए। उसमें से हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये एक्चुअली मेनली मेनली दो टाइप से होता है। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो, मैंने मेनली कहा है, मेनली दो टाइप से। हम जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उसके लिए हमको सिर्फ दो टाइप पता होने चाहिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे जो 12th स्टैंडर्ड बोर्ड के लिए पहले एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन जो रिएक्शन है, इन तीन टाइप में 90% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम हायर क्लास के लिए जाते हैं, जैसे JEE के लिए जाते हैं, CET के लिए जाते हैं, नीट के लिए जाते हैं, तो हमको रीअरेंजमेंट रिएक्शन का भी पता होना जरूरी है। लेकिन 90% ऑफ रिएक्शन इन तीन रिएक्शन में कवर हो जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आप क्या कीजिए, इस लेक्चर को आखिरी तक देखिए। हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइट, ये शब्द का मीनिंग देखो। न्यूक्लियोफाइट, न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ओके, फिलिक मींस लविंग। ओके, अब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज रहेगी। देखो, न्यूक्लियस यानी कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज। हमारा जो स्पीसीज है, इसमें जो सब्स्टिट्यूट होने वाला है, देखो सब्स्टिट्यूशन मीन्स इंटरचेंज। ओके, सब्स्टिट्यूशन, अगर ये शब्द आपने सुना होगा तो ये बहुत ज्यादा फुटबॉल में यूज होता है। फुटबॉल में देखो, प्लेयर सब्स्टिट्यूट होते हैं। सब्स्टिट्यूट होने ने एक बाहर जाता है और दूसरा अंदर आता है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। तो एक न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज या फिर पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूट होने वाली है। ओके, अब देखो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे किस तरह से होने वाला है। अब फुटबॉल का गेम चल रहा है और फुटबॉल के गेम में एक प्लेयर को हमको सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको कबड्डी के प्लेयर से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। सब्स्टिट्यूशन ये उसी के स्पीसीज से होता है, दूसरी स्पीसीज से होता नहीं। तो यहां पे देखो सब्स्टिट्यूट क्या होने वाला है। एक न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियस लिविंग स्पीसीज, एक पॉजिटिव चार्ज लिविंग स्पीसीज उस रिएक्शन में से बाहर जाने वाला है और दूसरा इनकमिंग स्पीसीज उसकी जगह लेने वाला है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है दूसरे न्यूक्लियोफाइल से, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन 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 एक शब्द और ध्यान में रखना, हाइब्रिडाइजेशन का एक कंसेप्ट पता होगा आपको, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन मेनली मेनली ऑर्गेनिक में बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं ऑर्गेनिक की केस में। जब आप सिंगल बॉन्ड रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन रहता है हमारा sp3। जब कभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा उसको हम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोल देंगे, sp3। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, sp2। ओके, और ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगा तो उसको हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए ताकि मैं आपको रिएक्शन में
या फिर इसके डेफिनेशन में ये बात बता सकूं, देखो क्या होता है, व्हेन डेफिनेशन कर रहा हूं मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हेन वन न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब भी कभी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट होगा विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने वाले हैं हैलोजन में, ठीक है, या फिर हम उसको कहेंगे अल्किल हैलाइड में देखेंगे। ओके, गलती से निकल गया, हैलोजन यानी अल्किल हैलाइड में देखने वाले हैं। ओके, अब देखो अल्किल हैलाइड कुछ इस तरह रहेगा, कार्बन हैलोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा और तीन कोई भी ग्रुप उसे प्रेजेंट रहेंगे, ए बी सी, हम उसके बारे में अभी सोचने वाले नहीं है, लेकिन जो बॉन्ड रहेगा वो सिंगल बॉन्ड रहेगा। ओके, अब ये जो एक्स ग्रुप है, ये एक्स ग्रुप हमको पता है एक्स है क्या, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या फिर कौन रह सकता है, तो आयोडीन रह सकता है। ओके, अब देखिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, मैं उसको अभी स्पेसिफाई नहीं करता, कोई भी न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब देखो न्यूक्लियोफाइल मींस इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब नेगेटिव चार्ज को जो चार्ज लगता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में होता है रिपल्शन और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, अब एक्स ग्रुप कोई भी हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये चारों भी ग्रुप इस कार्बन से इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। हमने सीरीज पढ़ी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, फुंकल ब्रिज अगर आपको याद आता होगा, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नियरली इक्वल टू इलेक्ट्रोनिगेटिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन आयोडीन, आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, कार्बन इज नियरली मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। ओके, तो ये सीरीज हमको पता है, और इस सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो आपका जो कार्बन एटम है ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, आपका जो हैलोजन एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसके वजह से इसके ऊपर पार्शियल चार्ज डेवलप होता है, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ओके, तो क्या होगा जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको लगने वाली जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज खड़े अट्रैक्ट हो जाता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अटैच हो जाता है, लेकिन हमारी कार्बन की वैलेंसी तो चार होती है, इसके वजह से ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और रिएक्शन आगे जाती है। देखो न्यूक्लियोफाइल कार्बन ए बी सी प्लस एक्स नेगेटिव, अब एक्स नेगेटिव भी क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल है। देखो आने वाला ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल है, जाने वाला ग्रुप भी क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल है, और देखो सब्स्टिट्यूट हो रहा है वही कार्बन के ऊपर दूसरा ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये जो हमारा सब्स्ट्रेट है जहां पे ये स्टार्ट हुआ था, तो
ये कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसने सभी सिंगल बॉन्ड फॉर्म किए, इसके इसके वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और यहाँ पे भी उसने सभी सिंगल बॉन्ड फॉर्म किए तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp3। तो हमारी डेफिनेशन देखो न्यूक्लियोफिलिक सस्पेंशन रिएक्शन की, व्हेन अ ग्रुप व्हेन अ इनकमिंग न्यूक्लियो व्हेन अ न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एनी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट होना विदाउट अंडरगोइंग चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इससे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी समझ सकते हो, अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस होता है और निकलने वाला ग्रुप भी क्या होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अभी हमको क्या पढ़ना है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन याद रखनी है तो देखो, इनकमिंग ग्रुप ये क्या रहेगा, ध्यान बोलो, इनकमिंग ग्रुप कौन रहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल रहेगा, न्यूक्लियोफाइल। आउटगोइंग ग्रुप या फिर उसको हम क्या कहेंगे, लिविंग ग्रुप भी कौन रहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल रहेगा। ओके, इनकमिंग ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल, और हाइब्रिडाइजेशन में क्या रहेगा, तो नो चेंज रहेगा। अगर ऐसा कहीं आपको ऑब्जर्व होता है किसी भी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक काम कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, और ये जो ट्रिक है मैंने आपके सामने रखी है कि किस तरह से पहचानना कि कोई भी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक है कि इलेक्ट्रोफिलिक है, तो देख लेना, इनकमिंग ग्रुप भी क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप भी क्या होना चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल, और लिविंग और चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज पता नहीं है तो इसके बारे में जाके पढ़ लीजिए, आपको पता हो जाएगा किस तरह से पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो ये चैप्टर का हार्ट है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आखिर होता क्या है और उसको याद किस तरह से रखें ताकि आपको आने वाली कोई भी रिएक्शन एक मिनट में लर्न हो जाए। तो अभी इस समय से बोर्ड की तरफ बराबर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ट्रिक अगर आपको समझ में आ गई तो कम से कम आपकी 25 से 30 रिएक्शन आप इजीली लर्न कर सकते हो। तो देखो, ध्यान रखो, अब हमारा जो सब्सट्रेट होगा वो हमेशा यहां पे अल्किल हैलाइड रहेगा। ओके, और न्यूक्लियोफाइल ये इनकमिंग ग्रुप रहेगा। एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये कार्बन पे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन को अटैच हो जाएगा, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे कार्बन का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। अब ये जो आने वाली न्यूक्लियोफाइल है, ये वेराइटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, बहुत सारी न्यूक्लियोफाइल आएगी, यानी आप सोच भी नहीं सकते इतने न्यूक्लियोफाइल है। अब कैसा है, हमें स्टेट बोर्ड में जो है वो लिमिटेड न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन जब आप सीईटी, नीट और जेडब्ल्यू के लिए पढ़ रहे हो तो आपको बहुत बड़ी लिस्ट आएंगी वेराइटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स की, जो आपको याद रखनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक अगर आप ध्यान में रख लोगे तो आप सभी रिएक्शन को विद इन अ मिनट सॉल्व कर दोगे। तो देखो, आपके सामने मैं अभी एक ट्रिक रखूंगा, वो ट्रिक को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए ट्रिक, जब भी कभी Ag, Na, K, H ऐसे ग्रुप अगर आपको दिख रहे होंगे तो ये ग्रुप हमेशा आपका जो ये X ग्रुप यानी हैलोजन, इनके साथ बाहर निकाल देना।
किसके साथ? एक्स ग्रुप के साथ। ये जो सभी लोग है ये किसके साथ बाहर निकालने वाले हो आप रिएक्शन को? एक्स ग्रुप के साथ। एक्स ग्रुप को हम कहते हैं हैलोजन, और हैलोजन हमेशा होते हैं बेटर लिविंग ग्रुप। क्या होते हैं वो? हमेशा बेटर लिविंग ग्रुप। यानी कोई भी रिएक्शन में जब आप हैलोजन को देखोगे तो वो रिएक्शन को हमेशा उसको छोड़ के भागने वाले लोग है, इसलिए उनको भगोड़े भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भगोड़े। अब ये हमारी गावरानी लैंग्वेज होगी कि उसमें हम उसको भगोड़े कहेंगे। तो देखो, अब भगोड़े अकेले तो भागेंगे नहीं, क्योंकि उनको कोई तो भी साथ लगता है भागने के लिए। आपने वो पिक्चर देखा होगा सैराट, सैराट, सैराट में देखो वो अकेले भागती है क्या? नहीं, वो उसके मजनू को लेके भागती है। यानी ये जो ग्रुप है ये AGX के साथ जाना, NAX के साथ जाना, KX के साथ जाना, HX के साथ जाना, इनको मैं सैराट ग्रुप कहता हूँ। कौन से ग्रुप कहूंगा इनको मैं? सैराट ग्रुप, सैराट ग्रुप। ये कोई सी भी रिएक्शन आएंगी उसमें से सैराट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और ये जो सैराट ग्रुप है इनको मैं दूसरे लैंग्वेज में कहता हूँ लैला मजनू की जोड़ी। बस ये लैला मजनू की जोड़ी ध्यान में रख लो, सभी रिएक्शन लोन हो जाएंगी। और कोई भी रिएक्शन में से AGX, NAX, KX, HAX ये क्या हो जाएंगे? सैराट हो जाएंगे। यानी ये अगर आपने ध्यान में रख लिया कि बा एक्स ग्रुप ये भगोड़ा होता है, ये रिएक्शन से भागने वाला है, अब वो अकेला तो नहीं भागेगा, वो भागते हैं लैला मजनू की जोड़ी के साथ। अब लैला मजनू की जोड़ी कौन? AGX। दूसरा कौन है? NAX। तीसरा कौन है? KX। और चौथा कौन है? HX। और ये कोई भी रिएक्शन से क्या होते है? तो सैराट होते है, सैराट यानी भाग जाना। तो आपने वो मूवी देखा होगा, अगर सैराट नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, क्योंकि विदाउट मूवी केमिस्ट्री तो नहीं समझ में आने वाली। ओके, तो ये चीज सिर्फ आप ध्यान में रख लेना कि वेराइटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल रहेंगे, लेकिन हमको न्यूक्लियोफाइल की तरफ नहीं देखना है, हमको देखना है ये लैला मजनू की जोड़ी के साथ जो वहां से सैराट होंगे। तो ये सैराट वाली जोड़ी को ध्यान में रख लो, कोई भी रिएक्शन विद इन अ सेकंड आप सॉल्व करोगे। और इसका आपको अभी विद इन अ सेकंड में प्रूफ देता हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते। तो देखिए स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यूज करके अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं। देखो किससे? तो अल्किल हैलाइड से। अब अल्किल हैलाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय RX। ये क्या है? अल्किल हैलाइड। ओके, दिस इज अल्किल हैलाइड। अब इसको आप किसी भी बेस के साथ ट्रीट कर दो। देखो हमको आ रहा कॉमनली बेस जो है वो है NaOH। और यहां पे एक चीज ध्यान में रखना, NaOH में क्या लूंगा? तो एक्वियस लूंगा। ओके, अब देखो अब ये रिएक्शन कैसी होगी, अगर आपको समझ में नहीं आती होगी तो मैंने जो अभी 5 मिनट पहले ट्रिक बताई वो सब वो ध्यान में रख लेना। बाहर कौन भाग जाता है? तो सैराट कौन हो जाती है? तो लैला मजनू की जोड़ी। अगर आपको लैला मजनू की जोड़ी दिखती होगी तो ये देखो NAX, ये क्या है? लैला मजनू की जोड़ी। तो देखो X बाहर जा रहा है किसके साथ? NA के साथ। X NA के साथ भाग जाएगा, ये सैराट हो गया। फिर बचे कौन? R बचा, और कौन बचा? OH बचा। अब R OH फॉर्म होता है, ROH means क्या? तो अल्कोहल। तो ये रिएक्शन को आप अगर बराबर से ऑब्जर्व करते होगे तो देख लीजिए, एक्स ग्रुप निकल रहा है, एक्स ग्रुप न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, और उसकी जगह कौन आ रहा है? OH। क्योंकि अगर आपने NaOH का डिसोसिएशन देखा तो NaOH will dissociate as Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो देखो OH नेगेटिव आ रहा है, एक्स माइनस जा रहा है, इसके वजह से ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और देखो मैंने इसके लिए आपको ये रिएक्शन समझने के लिए एक ट्रिक बताई कि क्या करो, तो लैला मजनू की जोड़ी को बाहर निकाल डालो, बाहर निकालने के बाद बच्चों वो पार्ट है उसको ऐड कर डालो, तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपका प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो RX। अब RX क्या है? आपका अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड। ओके, इसको आप KOH से ट्रीट करो, KOH। ओके, अब KOH देखो, KOH कैसे डिसोसिएट होता है? K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अभी आपको समझ में आना चाहिए कि मेटल है नॉन मेटल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, OH पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ओके, और ये भी क्या रहता है? हमेशा एक्वियस। अब बोलो ये रिएक्शन कैसी होगी? अब देखो यहां से ढूंढो लैला मजनू की जोड़ी कौन है, सैराइड कौन होने वाला है, तो KX ये क्या हो जाएगा? सैराइड हो जाएगा। अगर KX सैराइड हो गया, देखो KX सैराइड हो गया, फिर कौन बचा? फिर कौन बचा? R और OH। तो देखो R OH,
OH ग्रुप आ रहा है, OH इज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल किससे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो एक से, तो ये जो रिएक्शन है इसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये अल्कोहल फॉर्मेशन की रिएक्शन है। अब ऐसे बहुत सारे रिएक्शन आपको आने वाले हैं, तो ये पार्ट को मैं यही खत्म करने वाला हूं। तो हमारी जो ट्रिक है उसको ध्यान में रख लेना कि हमेशा रिएक्शन के बाहर कौन जाता है, तो लैला मजनू की जोड़ी जाती है। लैला मजनू की जोड़ी सेराइड होगी कि बचे हुए पार्ट को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। एंड दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये जनरल रिएक्शन मैंने आपको लिखवा के दे दी है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बाकी का पार्ट अपने आने वाले लेक्चर में लेंगे।